हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग हेयर केयर रेमेडी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। अगर आपके 50 to 100 स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर आपके एवरी डे 200, 300, 400 बाल निकल रहे हैं, जब भी आप कॉम करते हैं, जब भी आप फिंगर्स को अपने बालों में रन करते हैं, 30, 40, 50 हेयर तब भी निकल जाते हैं, और इन जनरल यू आर फीलिंग दैट द हेयर डेंसिटी जो है वो कम हो गई है और आपका स्कैल्प काफ़ी विजिबल है, एट दिस स्टेज फर्स्ट स्टेप इज डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, बट यू नीड टू फाइंड आउट वॉट इज कॉजिंग दिस हेयर लॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज आयरन डेफिशिएंसी। इस सिचुएशन में एक ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है जिसमें आपके विटामिन, मिनरल्स, आयरन लेवल्स, थायराइड लेवल्स चेक किए जा सकते हैं। आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपको स्कैल्प बायोप्सी भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो रूट कॉज जो है हेयर फॉल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के हेयर फॉल के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही बेहतरीन नॉन ऑयली हेयर केयर रेमेडी। अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करते हैं, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और जहाँ से बाल आना बंद हो गए थे वहाँ से भी बाल वापस उगना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेमेडी। हेयर फॉल में सबसे बड़ा कल्प्रिट है DHT। जब आपके बालों में, आपके स्कैल्प में DHT का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस समय आपके जो है हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे बाल आना बंद हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में रोजमेरी इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट यू कैन यूज फॉर योर हेयर फॉल, विच विल रिड्यूस द DHT लेवल्स ऑन योर स्कैल्प एंड विल स्टॉप हेयर लॉस। इन दिस रेमेडी यू कैन यूज एसेंशियल ऑयल, बट आई एम यूजिंग फ्रेश रोजमेरी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने रोजमेरी ले ली है और इसके लीव्स को, हम जो पत्ते हैं उसे निकाल लेंगे और उसे थोड़ा सा क्रश करके एक पॉट में डाल लेंगे। तो हमें रफली इतना क्वांटिटी में रोजमेरी लीव्स चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आई विल बी एडिंग आमला पाउडर। आमला इज रियली गुड फॉर योर ओवरऑल हेयर हेल्थ, स्कैल्प हेल्थ। आपके बालों में एक नई ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को टूटने से रोकता है और आपके जो बाल हैं उन्हें जड़ों से मजबूत करता है। आफ्टर आमला आई विल बी एडिंग हाफ स्पून ऑफ नीम पाउडर। अगर आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन यूज ऑन योर हेयर। इसमें मैंने हाफ स्पून डाला है, आप इसमें इसकी क्वांटिटीज जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आई विल बी एडिंग कलौंजी नाइजेला सीड्स। इन दिस रेमेडी आई एम यूजिंग हाफ स्पून। नाइजेला सीड्स आर अमेजिंग फॉर योर हेयर। ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है और एक नई हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। एंड लास्ट आई विल बी एडिंग 1 glass ऑफ वाटर और 1 cup ऑफ वाटर। मिक्स एवरीथिंग वेल। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमें इसे अभी थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, ताकि जो हमने इसमें रोजमेरी, नाइजेला, आमला पाउडर, नीम पाउडर सब डाला है, उनके जो सब बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाएं। इस तरह से हमें इसे बॉईल करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, जस्ट मीडियम फ्लेम पर, और इसे मिक्स करते रहना है बीच बीच में। मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने 5 मिनट कुक करने के बाद, इसे एक बॉईल आने के बाद मैंने जो हीट है उसे लोवेस्ट नंबर पर सेट कर दिया है। अब हम इसे बहुत ही मीडियम आंच पर कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो अभी इसे बॉईल होते 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पानी का लेवल है वो कम हो गया है, इट रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स थे इसमें हमने ऐड किए, उन सब फ्लेवर्स का जो असर है इस पानी में आ गया है। और देखिए, आई विल शो यू इसमें रोजमेरी का कितना असर गया है पानी में। इसका लीव कितना ग्रीन था, अभी ये कितना ब्राउनिश हो गया है। इससे पता चलता है कि रोजमेरी का जो सारा असर है वो इस पानी में आ गया है।
अभी हम इस पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन द मीन टाइम वी कैन प्रिपेयर आवर नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो कि उस लिक्विड में हम ऐड करेंगे, विच इज़ एलोवेरा। येस, दिस इज़ होम ग्रोन एलोवेरा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट नहीं है। तो हमें इस रेमेडी में एलोवेरा क्यों यूज़ करना है? एलोवेरा इज़ वेरी अमेजिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ, आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है, और अगर आपके बालों में किसी भी तरह की इचीनेस इरीटेशन है उसे भी स्टॉप करता है। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा की 2 स्टिक्स ली हैं, उसका ये येलो पार्ट निकालने के बाद थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और इससे हम अपनी एलोवेरा जेल को रेडी करेंगे। एलोवेरा जेल को प्रिपेयर करने के बाद जो इसकी स्किन पर एलोवेरा रह जाता है उसे फेंके नहीं, उसे आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जो है एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो कि आपकी, अगर आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, रिंकल्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को टाइट करता है। यहाँ पर एलोवेरा जेल को मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है और जो पानी बॉयल किया था वो भी अभी लूप वॉर्म हो गया है। तो इसकी एक स्मूथ एप्लीकेशन के लिए हम इसे सिप कर लेंगे। This water is ready. Now I'll be adding aloe vera gel. Hand blender के साथ इस जेल को अच्छी तरह से इस पानी में हम ब्लेंड कर लेंगे। This is a non-oily application. आप इसे अपने बालों में लगाकर छोड़ सकते हैं पूरा दिन। If you prefer to wash or shampoo, you can do that. But otherwise, आप इसे अप्लाई कीजिए, 2-3 घंटे अपने बालों में रखिए और सिंपल पानी से इसे रिंस कर दीजिए। और इस रेमेडी को फ्रिज में 3-4 दिन के लिए आराम से एक ग्लास जार में रख कर स्टोर किया जा सकता है। सो इस तरह से आप हफ्ते में इस रेमेडी को एक बार ही प्रिपेयर कीजिए और इसे 2-3 बार अपने बालों में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ड्रॉपर की हेल्प से भी इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉटन वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में, जैसे हम हेयर ऑयल लगाते हैं, और आप एक स्प्रे बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने स्कैल्प में, अपने बालों में इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को रेगुलर 3-4 महीने के लिए इस्तेमाल कीजिए और आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। इफ़ यू एंजॉयड दिस रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू, एक्साइटिंग, हेल्थी एंड यूजफुल। टिल देन, टेक केयर।